वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत वाक्यांशों के लिए एक शब्द देख रहे थे या फिर इसी को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कह दिया जाता है और यहाँ पर हमने वा वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को देखा था। यहाँ पर कुछ शब्द कवर भी किए थे, कुछ बाकी थे तो आज उनको देखेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप वीडियो का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी या ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ सभी में आप इन सारे एग्जाम्स के लिए वीडियो आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है। सभी के सिलेबस में सामान्य हिंदी विषय दिया गया है और वहाँ पर ये टॉपिक आपको मिलेगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बने रहे वीडियो के अंत तक। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बाकी दिया गया है जो कानून के प्रतिकूल हो, ऐसा कोई विषय जो कानून के प्रतिकूल हो, कानून के अनुकूल हो, उसको क्या कहेंगे, उसको विधि विरुद्ध कहेंगे। अनुकूल होना विधि के अनुकूल होना कहलाएगा और जो कानून के अगेंस्ट हो उसको विधि विरुद्ध कहेंगे। कानून से विरुद्ध है, विधि के विरुद्ध है। इसके बाद अगला वाक्य आप देख रहे हैं, अगला वाक्य दिया गया है विशेष व्यक्ति से संबंधित जीवन कार्य या फिर व्यवहार, उसको क्या कहेंगे। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा कार्य जो कि एक व्यक्ति से संबंध हो, जिसका संबंध सिर्फ एक व्यक्ति से हो, उसको व्यक्ति मूलक कहा जाएगा या फिर उसी को व्यक्तिगत भी कहते हैं। कहते हैं ना, यह आपका व्यक्तिगत मामला है या आपका व्यक्तिगत विचार है, इस प्रकार से शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला वाक्य देख रहे हैं, लेना और देना या फिर आदान और प्रदान, यह जो कार्य है या फिर यह जो प्रक्रिया है इसको विनिमय कहते हैं। लेन देन का जो कार्य होता है या फिर आदान प्रदान का जो कार्य है, ये क्रिया है, इस प्रक्रिया को विनिमय कहते हैं। यहाँ पर हमने ये शब्द देखा। इसके बाद आगे देख रहे हैं, अगला शब्द दिया गया है वनस्पति का आहार करने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि वनस्पति का आहार करता है, जो वनस्पति को अपने आहार में लेता है, उसको क्या कहेंगे, वनस्पत्याहारी, वनस्पत्याहारी कहेंगे। ये वनस्पति प्लस आहार से मिलकर बना है शब्द वनस्पत्याहारी, यहाँ पर ये शब्द देखा। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है एक स्थान पर केंद्रित शक्तियों और अधिकारों को बांटना, विकेंद्रीकरण कहलाएगा। जैसे कि हमारा जो प्रशासन है, हमारा जो लोकतंत्र है, वहाँ पर भी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, शक्तियों को विभाजित किया गया है केंद्र से राज्यों के बीच और फिर राज्यों से ग्रामों के बीच, ग्राम पंचायत बनाएगी, जिला पंचायत बनाएगी। तो ये क्या है, ये शक्तियों का बंटवारा ही तो किया गया है, इसी को क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं इस प्रक्रिया को। इसके बाद अगला वाक्य आप देख रहे हैं, अगला वाक्य दिया गया है बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का जो समय है उसको वयासंधि कहते हैं। क्या कहते हैं, वयासंधि कहते हैं। जो विश्व में प्रसिद्ध हो उसको विश्व विख्यात कहा जाएगा, विश्व प्रसिद्ध कहा जाएगा या फिर विश्व विश्रुद्ध भी कहते हैं। इसके लिए विश्व विश्रुद्ध शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर विश्व विश्रुद्ध शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं, जो विश्व में प्रसिद्ध हो उसके लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला वाक्य देखेंगे, वसुदेव के जो पुत्र हैं उनको क्या कहेंगे, उनको वासुदेव कहा जाता है। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता हो उसको विधर्मी कहेंगे। बी का तात्पर्य अगेंस्ट से है, विपरीत से है, अगर धर्म के विपरीत आचरण करे तो उसको विधर्मी कहेंगे, धर्म से विपरीत है वह। जिस पर विश्वास किया जाए उसको विश्वसनीय कहा जाता है या फिर विश्वास पात्र होगा वह व्यक्ति, विश्वास का पात्र है। कानून के द्वारा प्राप्त उसको विधि प्रदत्त कहेंगे, प्रदत्त यानी कि प्राप्त होना। बिजली की तरह तीव्र वेग वाला उसको विद्युत वेग कहेंगे, विद्युत से तात्पर्य क्या है, बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसी कोई चीज़ जिसका वेग, जिसका जिसकी चाल बिजली की तरह है तो उसको विद्युत वेग कहेंगे। इसके बाद अगला वाक्य आप देखेंगे, अगला वाक्य दिया गया है जिसमें किसी प्रकार का विकार हो उसको विकृत कहते हैं, जो विकार से युक्त हो उसको विकृत कहेंगे। इसके बाद अगला वाक्य देख रहे हैं, अगला वाक्य दिया गया है जिसका कोई अंग बेकार हो उसको विकलांग कहा जाता है या फिर अपांग कहा जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो, कोई अंग काम नहीं कर रहा है, उसको विकलांग कहते हैं। जो बात वर्णन के परे हो या फिर वर्णन से बाहर हो, जिसका वर्णन ना किया जा सके, उसको वर्णनातीत कहेंगे, वर्णनातीत। इसके बाद अगला वाक्य है विष्णु संबंधी या फिर उस संप्रदाय के नियमों पर चलने वाला, उसको वैष्णव कहते हैं। वैष्णव संप्रदाय के बारे में आपने सुना होगा, एक शैव संप्रदाय होता है, एक वैष्णव संप्रदाय होता है। और ऐसे व्यक्ति जो विष्णु संबंधी नियमों का पालन करें या फिर उन नियमों के आधार पर आचरण करें तो उनको वैष्णव कहते हैं। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर ना पड़े, उसको वातानुकूलन कहते हैं। जिसको आप एसी के एयर कंडीशनर के रूप में जानते हैं, वातानुकूलन। उसमें होता क्या है, जब आप एसी के अंदर बैठे होते हैं, एसी वाले कमरे में बैठे होते हैं, तो आपको बाहर की गर्मी का एहसास भी नहीं होता, तो इस प्रक्रिया को वातानुकूलन कहा जाता है। वह जो किसी के विरुद्ध वाद या फिर मुकदमा पेश करे उसको वादी कहा जाएगा।
वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक कहा जाता है, एनुअल जिसको कहते हैं। प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति या फिर अनुदान उसको क्या कहते हैं, वार्षिकी कहते हैं। जो हर वर्ष दी जाए ऐसा अनुदान जो हर वर्ष दिया जाता है, प्रति से तात्पर्य वर्ष दर वर्ष, तो उसको वार्षिकी कहेंगे। इसके बाद जो बढ़ रहा हो उसके लिए वर्धमान शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसमें कोई विकार या फिर परिवर्तन नहीं होता उसको अविकारी कहते हैं। जो विकारों से रहित है उसको अविकारी कहेंगे, बिना विकार वाला। इसके बाद अगला वाक्य आप देख रहे हैं, अगला वाक्य दिया गया है, अनुचित यौन संबंध रखने वाला वो क्या कहलाएगा, व्यभिचारी कहलाएगा। व्यवस्था करने वाला व्यवस्थापक कहलाएगा। जो वंदना के योग्य हो उसको क्या कहेंगे, वंदनीय कहेंगे। विदेश में रहने वाला विदेशी कहलाएगा। जो व्याकरण को जानने वाला हो उसको वैयाकरण कहा जाएगा। जो व्याकरण को जानता हो उसको वैयाकरण कहते हैं। जो विज्ञान को जाने उसको वैज्ञानिक कहेंगे। विज्ञान को जानने वाला क्या कहलाएगा, वैज्ञानिक कहलाएगा, साइंटिस्ट जिसको कहते हैं। जो व्याख्या करता हो उसको क्या कहते हैं, उसको व्याख्याता कहते हैं। जो व्याख्यान करने वाला हो उसको व्याख्याता कहा जाता है। यहाँ तक हमने ये शब्द देखे। इसके बाद अगला शब्द आप देख रहे हैं, जो वेतन पर काम करता हो उसको क्या कहते हैं, वैतनिक कहते हैं। जिसको वेतन पर रखा जाए और उससे कार्य करवाया जाए उसको वैतनिक कहा जाता है। जिस स्त्री की संतान पैदा ना होती हो उसको वंध्या कहा जाता है। जिस पुरुष का विवाह हो चुका हो उसको विवाहित कहेंगे, और जिस स्त्री का विवाह हो चुका हो स्त्री के लिए विवाहिता शब्द का प्रयोग किया जाएगा, और पुरुष के लिए विवाहित शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, तारों भरी रात, जो तारों भरी रात होती है उसको विभावरी कहा जाता है। जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है। जिस पुरुष के पास विद्या हो उसको विद्वान कहेंगे, और जो कानून के अनुकूल हो उसको विधि सम्मत कहा जाएगा। ऐसी कोई चीज़ जो कानून के अनुकूल हो उसको विधि सम्मत कहेंगे, और जो कानून के प्रतिकूल हो उसे विधि विरुद्ध कहेंगे। तो ये दोनों शब्दों के एक दूसरे के विपरीत है ये शब्द। तो यहाँ पर हमने वा वर्ण से बनने वाले शब्दों को देखा। इसके बाद सा वर्ण से बनने वाले शब्द देखते हैं। यहाँ पर वाक्य दिया गया है, वह जो केवल अन्न फल साग सब्जी खाता हो उसको शाकाहारी कहा जाता है। जहाँ से शब्द होता है और वहीं पर वाण से मारने वाला उसको शब्द भेदी कहते हैं, या फिर शब्द भेदी कहेंगे। शब्द भेदी या फिर शब्द भेदी दोनों ही समान रूप के शब्द हैं। इसके बाद अगला वाक्य है, सोने का स्थान या फिर कमरा उसको क्या कहते हैं, शयनागार कहा जाता है। चांद्रमास का वह पक्ष जब शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगे उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। वह जो शिव संबंधी या फिर शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करे उसको शैव कहते हैं, और जो वैष्णव संप्रदाय का पालन करे उसको वैष्णव कहते हैं। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसको शब्दातीत कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको शशिधर कहते हैं। शशि चंद्रमा का ही पर्यायवाची है, और जो चंद्रमा को सिर पर रखता हो, सिर पर धारण करता हो उसको शशिधर कहते हैं। जैसे कि भगवान शिव जी, उनको शशिधर कहा जाता है। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो उसको क्या कहेंगे, उसको संकालु कहेंगे। समान रूप से ठंडा और गर्म होने वाला उसको शीतोष्ण कहा जाता है, और यह शीत प्लस उष्ण शब्द से बना है। शीत से तात्पर्य क्या है, ठंडे से, और उष्ण से तात्पर्य क्या है, उष्ण यानी कि गर्म। तो शीत और उष्ण, शीतोष्ण जो ठंडा और गर्म हो। वह जिसका शोषण किया जाए शोषित कहलाएगा। शत्रुओं को मार डालने वाला क्या कहलाएगा, शत्रुघ्न कहलाएगा। इसके बाद अगला वाक्य है, शरण में आया हुआ क्या कहलाएगा, शरणागत कहलाएगा। जो शरण में आया हुआ है उसको शरणागत कहेंगे। यहाँ पर हमने यह वाक्य देखा। इसके बाद अगला वाक्य है, वह जो किसी स्थान में शरण चाहता हो उसको क्या कहते हैं, उसको शरणार्थी कहते हैं। वह जो किसी स्थान में शरण का अपेक्षी हो, शरण चाहता हो, उसको शरणार्थी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने वा वर्ण से बनने वाले शब्द देखे, और उसके बाद कुछ सा वर्ण से बनने वाले शब्दों को देखा। इसके आगे और शब्द हैं जिनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आप ऑफिशियल चैनल तक पहुँच जाएंगे। और अगर आप फ्री प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की लिंक है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस क्विज लगा सकते हैं सारे सब्जेक्ट की, जीके जीएस की, करंट अफेयर के, सामान्य हिंदी विषय के, और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।